हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे आप सबको दिख रहा है, मैं कहीं पे जा रही हूँ एंड ये एम्स भुवनेश्वर का ही पार्किंग है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया है। तो हम लोग कहीं पे जा रहे हैं कुछ लाने के लिए, तो फिर चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ पे गए हैं और क्या लाना है। एंड आप सबको दिख ही गया है, यहाँ पे रखे गए हैं केक्स। हम लोग पहुँच गए हैं मॉन्गिनिस पर, एम्स के साइड में पास में ही मॉन्गिनिस है। एंड वहाँ पे हम लोग गए थे केक लाने के लिए, लेकिन केक किस खुशी में ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कितने वैरायटीज़ के केक्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो हम लोगों ने कौन सा वाला केक लिया अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड हियर इट इज़, हमने लिया पाइनएप्पल फ्लेवर का एक केक, और केक के ऊपर लिखा था पंकज, क्योंकि पंकज का बर्थडे था उस दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंकु, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसे कि आप सबको दिखा, पंकज एकदम शहजादा काइंड ऑफ चल के आया एंड सबने उसको बर्थडे विश तो कर लिया, लेकिन अभी इसका सेलिब्रेशन जो है वो बाकी है। एंड इसका सेलिब्रेशन एकदम ग्रैंड तरीके से किया गया था, आप लोग खुद ही देख लोगे इस वीडियो में जाके। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि पंकज के बारे में कौन क्या बोलता है। पंकज बहुत सजेशन देता है और दिमाग खराब करता है। एटलीस्ट आज भी पंकज सजेशन मत दिया करा। नेक्स्ट मैम, पंकज इज वेरी स्लो। नेक्स्ट भैया तुमसे ना हो पाए। बना नहीं पंकज भाई जड़े मोहर पोती आम डिपार्टमेंट पे बहुत किछ करी जाय छथि कहते कि कोई मो वक्त में से सब कुछ भारत माता की जय। नहीं नहीं कृष्ण माता लजी की जय। ध्रुव भाई बोले आरा जन्म गच्छ पत्र थिले खाली गच्छ मुख्य डाड़ पत्र बाहर किया। भाई कुछ बोलिए पंकज के बारे में। पंकज बहुत बोला है, पूरा गो है गो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट शिवानी। पंकज के लिए तो जितना भी बोले उतना कम है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड हियर। सो क्लैप 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 फॉर दिस लाइन। तो गाइस आप सबने तो सुन ही लिया कि पंकज के बारे में कौन क्या बोलता है। एंड मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, लाइक पंकज और मेरा बहुत ज़्यादा दिनों से फ्रेंडशिप है, हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, तो बरकरार है अभी तक एंड आगे भी बरकरार रहेगा। तो अभी केक कटिंग की बारी है, लेकिन उससे पहले केक को थोड़ा सजाते वजाते हैं, उसके बाद फिर पंकज को केक कटिंग के लिए बुलाएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप रिलेट करते हो अपने फ्रेंड्स के बर्थडे के साथ, उसके साथ शेयर कीजिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिए। तो फिर चलिए देखते हैं कि पंकज का बर्थडे हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। Happy birthday to you, happy birthday dear Pankaj, happy birthday to you। तो गाइज इस तरह से मार खा के किसी का बर्थडे अगर सेलिब्रेट हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया पंकज का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करने में। एंड अभी केक कटिंग चल रहा है एंड आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो केक कटिंग हो गया है एंड जस्ट ख़त्म ही हुआ था कि सर आए, थोड़ी लेट में आए, कुछ काम था सर को, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है।
तो केक डिस्ट्रीब्यूशन तो चल ही रहा था, लेकिन ध्रुव ने फिर स्टार्ट कर दिया पंकज का मेकअप। तो मेकअप तो अभी बस शुरुआत है, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पंकज का मेकअप एकदम ब्राइडल हुआ था और वो चमक रहा था एकदम उपटन की तरह। अभी सब मिलके पंकज का मेकअप करेंगे। गाइस केक कटिंग भी हो गया एंड हम लोगों ने केक भी ले लिया और पंकज का मेकअप भी हो गया। अभी देखते हैं पंकज का मेकअप रिमूवल का प्रोसीडियर। उसके बाद गाइस पंकज लेके आया था सबके लिए मिठाई, तो हम लोगों ने बहुत मिठाई खा लिया था उस दिन, बहुत टेस्टी था ये वाला। एंड फिर उस दिन हम लोग गए थे लंच करने के लिए कंट्री किचन, एंड कंट्री किचन का लोकेशन मैं बता दूँ, ये है जागमरा भुवनेश्वर में, एंड इसका लोकेशन भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और फिर हम लोग पहुँच गए एंड यहाँ पर आप लोग मेनू भी देख लीजिए, एंड अगर आप चाहते हो तो पॉज करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे खाना यहाँ पर मिल जाता है एंड बहुत टेस्टी खाना एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो गाइज़ हमने अपना लंच ऑर्डर कर लिया है एंड आने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास एक ही घंटा था, लाइक 1 से 2 बजे के अंदर लंच ख़त्म करके हमें एम्स रिटर्न करना है। तो जब तक खाना आता है तब तक थोड़ा बातें शाते कर लेते हैं एंड पंकज को पूछते हैं कि इसका बर्थडे सेलिब्रेशन इसको कैसा लगा, एंड आपको कंट्री किचन का थोड़ा अंदर का वाइब भी दिखा देती हूँ तब तक। तो ये है इस तरह से कुछ सीटिंग एरिया यहाँ पे बैठने के लिए, पूरा एसी रेस्टोरेंट है एंड खाना यहाँ पे पूरा परफेक्ट मिलता है, अच्छे टेस्ट का मिल जाता है खाना इधर। बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा? थैंक यू फॉर सेलिब्रेशन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबको ये आए थे, केक भी बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया, वो अभी भी एंजॉय करने का कुछ ऑप्शन चल रहा है अभी तक, और भी क्या एंजॉयमेंट होगा वो भी पता नहीं, लेकिन चल रहा है।
तो गाइस आपने तो सुना पंकज किस तरह से अपने बर्थडे को एंजॉय किया, एंड अभी हमारा प्लेट्स लगना स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़ी देर में ही खाना आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमें ज़्यादा देर वेट करने के लिए नहीं पड़ा, एंड आप लोग अगर जाते हो तो आपको भी थोड़ी टाइम में खाना आ जाएगा। हम लोगों ने आराम से अपना खाना 1 आवर के अंदर ख़त्म किया, एंड जल्दी हम लोग रिटर्न आ गए। 2:30 के अराउंड हम लोग रिटर्न आ गए थे। तो यहाँ पे सारा कुछ रखा जा रहा है जो हमने ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे बटर नान और चिकन मसाला, और उसके साथ साथ था मशरूम बटर मसाला, क्योंकि मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, बाकी लोग नॉनवेज खाए, मैंने वेज के लिए मशरूम ही ऑर्डर किया था, उसके साथ था बटर नान। एंड सबका प्राइस जो है गाइज आपको मेनू में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हमारा टोटल बिल कितना हुआ ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगी। तो अभी चलिए देखते हैं कि खाना किस तरह सा दिख रहा है एंड टेस्ट में कैसा है। तो ये है चिकन जो पंकज ले रहा है, एंड मेरा प्लेट ऑलरेडी रेडी था, उन्होंने सर्व कर लिया था। लाइक ये है बटर नान और मेरा मशरूम का मसाला, बटर मसाला। तो गाइस खाना देखने में तो काफ़ी यम्मी दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर में आपको रिव्यू पता चल जाएगा कि टेस्ट में कैसा है। एंड ये देखिए चिकन, चिकन में काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे। और ये हमने मंगवाया था मसाला पापड़, एक्चुअली हमने ये स्टार्टर में मंगवाया था, लेकिन स्टार्टर का टाइम एंड मेन कोर्स का टाइम सेम हो गया, तो दोनों एक साथ आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैम घर से बना के लेके आई थी एग फ्राइड राइस, जो कि काफ़ी यम्मी दिख रहा था, लेकिन उसमें एग था तो इसीलिए मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन मैम पंकज एंड लकी इसको खा रहे हैं इसके साथ मिला के, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का लेके आई थी, तो फिर हमारा काम हो गया। लाइक हमने नान मंगवा लिया और फ्राइड राइस के साथ फिर आराम से सबका पेट फूल हो गया। एंड मैम जो फ्राइड राइस बना के लेके आती हैं वो काफ़ी टेस्टी होता है हमेशा, मैंने वेज का ट्राई किया है, एंड ये एग था तो एग का भी अच्छा ही होता है। बाकी को चिकन का क्या टेस्ट है ये आपको पंकज एंड लकी बताएंगे। एंड मशरूम का टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मशरूम बटर मसाला एकदम फैबुलस था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड नान तो बहुत ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट भी था। चिकन का टेस्ट कैसा है? तो गाइस चिकन का टेस्ट भी सबको काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप सब कभी कंट्री किचन आए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ का खाना कैसा है और प्राइसिंग कैसा है। और अगर आप लोग कभी नहीं आए हो तो प्लीज़ इधर आइए, एंड यहाँ का लंच या डिनर या फिर इवनिंग स्नैक्स जो भी आपको मन करे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ खाना पीना हो गया हमारा। ये है कंट्री किचन का बाहर का लोकेशन, और मैं टैग कर दूँगी इसका लोकेशन प्रॉपरली, एंड जगह मेरा भुवनेश्वर में है। तो इस तरह से रहा पंकज का बर्थडे सेलिब्रेशन एकदम ग्रैंड तरीके से, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए गाइज, शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।